प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने किसानों को कपास व मूंग की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की बात कही है। वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मछली पालन, पशुपालन और बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसान की जोत घट रही है और परंपरागत खेती पर लागत बढ़ रही है, इसलिए सरकार द्वारा किसान की आय बढ़ाने व युवाओं को रोजगार देने के लिए मछली पालन, पशुपालन और बागवानी को बढ़ावा दे रही है। किसानों को नई नई तकनीकों का लाभ दिलाने के लिए उत्कृष्ट केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोहारू हलका की जनता द्वारा दी गई ताकत से इस रेतीले इलाके को विकास के मामले में प्रदेश में अव्वल स्थान पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कपास व मूंग की फसल में हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। रखा है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, जिनका कल जन्मदिन था, भगवान से प्रार्थना करते हैं जो लंबे दीर्घायु हो, देश की सेवा करे और इस देश की जो किसानों की, गरीब की, गुरुदे की मदद हो सकती है वो लंबे वक्त तक करे। आज प्रगतिशील किसान हमारे कार्यकर्ता